भैया ये देखिए मैंने क्या बनाया, मेरे घर के ऊपर इतना बड़ा एक घड़ी लगा दिया। इसका साइज है लगभग 1.5 फुट बाई 3.5 फुट, मतलब बहुत ही बड़ा साइज का ये घड़ी है। ये मेरा घर का इस वाली पोर्शन में लगाया, हालांकि मेरा घर उतना अच्छा नहीं है इसलिए ये इतना अच्छा नहीं दिख रहा। शायद अगर आपका अच्छा सा दिखने वाला बिल्डिंग है तो आपके लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। जो कोई भी रास्ते से जाएगा वो आपके बिल्डिंग के तरफ देखेगा ही। इस घड़ी का सारे मटेरियल मेरे पास मिलेगा, कैसे ऑर्डर करना है वो सब भी बताऊंगा। और मेरा घर एक गांव में है, यहाँ पर ये रास्ता है, इसमें बहुत ही कम लोग जाते हैं और लगभग 150-200 मीटर दूर से भी टाइम को देखा जा सकता है। और ये घड़ी लगाए हुए मेरा 1-1.5 महीना हो गया, तो लगभग गाँव के सारे लोग को पता चल गया है और सब इसका तारीफ़ करते हैं। जब शाम में दिखता है इसका कलर बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल दिखता है। दोस्तों इस घड़ी में खास बात यह है कि इसको एक बार दीवार पर लगा दिया, उसके बाद आप लोग फ़ोन से ही वाईफाई से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फ़ोन से इसका कलर, ब्राइटनेस, ऑन ऑफ, इसका टाइमर देना, इसमें टाइम तो हालांकि इंटरनेट से सेट हो जाता है, एक बार सेट कर दिया तो इंटरनेट हमेशा देख के रखना नहीं पड़ता है। आप इंटरनेट ऑफ कर देंगे यानी हॉटस्पॉट ऑफ कर देंगे तो भी ये चलता रहेगा। और पावर कट हो जाने से भी इसका टाइम रीसेट नहीं होता, दोबारा ऑन करने से टाइम वापस से आ जाता है। और यहाँ से फ़ोन से ही आप लोग ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल, ऑटो ब्राइटनेस, यहाँ पर स्टाइल कंट्रोल, ऑटोमेटिक स्टाइल चेंज, कलर चेंज, सब कुछ यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। इसका एक ऐप भी दूंगा मैं आपको अगर आप इसको खरीदते हैं तो। और ये कैसे बनाना है ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों ये किसी दुकान के ऊपर में या किसी घर के ऊपर में लगाया जा सकता है, बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट साबित होगा ये। यहाँ पर RGB कलर है, मतलब कि कोई भी ऑल पॉसिबल कलर इसमें दिखाया जा सकता है, जैसे मोबाइल की डिस्प्ले होता है इस तरह की। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक लाइट सेंसर और एक रिमोट की सेंसर लगाया, क्योंकि ये रिमोट से भी कंट्रोल किया जा सकता है। और यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने घर के अंदर रखा ताकि ये पानी में भीग ना जाए। यहाँ पर ये एक बक कन्वर्टर लगाया, 12 वोल्ट से 5 वोल्ट करता है, उसके बाद ये वाला कंट्रोलर चलता है और यही घड़ी को चलाता है। और 12 वोल्ट प्रोवाइड करने के लिए मैंने एक तार लगाया घर के अंदर, हालाँकि ये मेरा लैब है। और यहाँ पर एक स्विच लगा दिया और इस स्विच से 12 वोल्ट को मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ, जो कि इस बैटरी से आ रही है। और इसी बैटरी से मेरा घर में कंप्यूटर वगैरह भी चल रहा है। और यहाँ पर सोलर का तार आया हुआ है ताकि ये सोलर से चार्ज हो सके। और यहाँ पर एक सोलर कंट्रोलर लगाया और एक वोल्ट मीटर का डिस्प्ले है। हालांकि ये घड़ी चलाने के लिए आपको इतना सब सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली एक फ़ोन चार्जर से इस घड़ी को चला सकते हैं। एक कोई भी मोबाइल के साथ जो चार्जर आता है 2 एम्पियर वाली, उससे भी ये घड़ी चल जाएगा आसानी से, या फिर एक पावर बैंक से भी। मैं देखिए चला के आपको दिखा दिया। ये घड़ी लो ब्राइटनेस में 5 वोल्ट 1/2 एम्पियर के नीचे करंट लेता है, यानी 2.5 से 3 वाट तक। और जब हाई ब्राइटनेस में चलती है तो ये 3 एम्पियर लेता है, यानी 15 वाट। तो एक लाइट बल्ब से भी कम बिजली खाती है ये। और यहाँ पर देखिए स्केल से इसका साइज दिखा दिया कि इसका 1 डिजिट 1 फीट का है, तो इसका पूरा फ्रेम मिला के 1.5 फीट बाई इस साइड में 3.5 फीट होगा। यहाँ पर देखिए एक 1 मीटर का स्टिक मैं दिखा रहा हूँ, ये 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर का स्टिक देखिए इसका लगभग साइज है इस घड़ी का। जैसे रेल स्टेशन की घड़ियाँ होती है उस तरह की साइज है इस घड़ी का। ये घर में लगा देंगे तो बात ही अलग हो जाएगा। और भैया इसके नीचे एक बार दिख रहा है, ये 1 मिनट में फुल होता है। जब ये फुल होके पूरा चला जाता है उसके बाद 1 मिनट चेंज होता है, फिर से वापस फुल होने लगता है, तो ये सेकंड को दर्शाता है। और यहाँ पर जो ब्लू और ग्रीन लाइट है ये घंटा और मिनट को दिखाता है। तो ये एक एनालॉग जैसा बार लगा दिया नीचे में, ये भी एक अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पर कलर, ब्राइटनेस वगैरह सबको जल्दी से कंट्रोल करने के लिए आपको फ़ोन निकालना और वाईफाई वगैरह कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक टाटा स्काई का रिमोट से या फिर एक म्यूजिक प्लेयर का रिमोट से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। रिमोट से आप लोग इसका कलर, ब्राइटनेस, ऑन ऑफ और मोड वगैरह चेंज कर सकते हैं, स्टाइल वगैरह। और दोस्तों क्योंकि ये आउटडोर में है तो इसमें धूप और पानी जाएगा, इसलिए इसको वाटर प्रूफ करना ज़रूरी है। तो मैंने इसके ऊपर पेंट कर दिया जो लकड़ी है उसके ऊपर, और जो साइड साइड में जो होल्स थी, मतलब जो पानी जाने का जगह थी, उन सबको हॉट ग्लू देके सील कर दिया। अब दोस्तों इस घड़ी में जो मेन कंट्रोलर है वो है इस वाली बोर्ड। ये बोर्ड मेरे पास मिल जाएगा, आप लोग व्हाट्सएप स्टोर में आ सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर और लिंक दे दूँगा, फर्स्ट कमेंट में भी दूँगा, और इस नंबर से आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओनली इंडिया में डिलीवरी पॉसिबल है। दोस्तों इसमें जो LED लगती है वो इस तरह की 5 वोल्ट की पिक्सेल LED होती है। तो चलिए काफ़ी बात तो हो गया इंट्रोडक्शन की, अब हम लोग बनाना सीखेंगे इसको एक्चुअल में।
दोस्तों इसको बनाने के लिए मैंने ये प्रोफाइल स्ट्रिप्स यूज किया। प्रोफाइल स्ट्रिप होती है एक्चुअली एल्युमिनियम का चैनल जिसके ऊपर एक डिफ्यूजर लगा हुआ है। ये डिफ्यूजर के नीचे में एलईडी रहेगा तो एलईडी का जो लाइट है वो डिफ्यूज होकर अच्छा दिखेगा। इसका साइज है लेंथ में 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर और यहाँ पर साइड में 18 mm और हाइट में 6 mm। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिलता है। दोस्तों इसको हम लोग काट कर लेंगे, ये टोटल 100 सेंटीमीटर का है। इसको ऐसे काट कर लेंगे 13 13 13 30 30, इस तरह की 5 हिस्सा में डिवाइड कर लेंगे। इसी से हमारा एक डिजिट बन जाएगा। एक डिजिट मतलब कि 1 8 होता है जो कि एक डिजिटल क्लॉक का बेसिक पार्ट होता है। दोस्तों इस तरह की 5 पीस मैंने कटिंग कर लिया, 13 सेंटीमीटर का 3 और 18 का 2। उसके बाद इस तरह के अरेंजमेंट बना के एक डिजिट बनाया जा सकता है। अब दोस्तों इसके ऊपर इस तरह की 5 वोल्ट का SMD पिक्सेल लगेगा। इस पिक्सेल का नाम है WS2812B। ये पिक्सेल मेरे पास मिल जाएगा मेरा WhatsApp स्टोर में, तो आपको एक साथ ही जितने भी आइटम्स लगेगा सबको मैं भेज सकता हूँ। यहाँ पर इन सब LED को कटिंग कर लेंगे, 18 18 का 2 पीस करेंगे और 8 8 करके 3 पीस करेंगे, तो टोटल 5 पीस स्ट्रिप में कटिंग कर लिया। यहाँ पर टोटल 60 पीस LED लग रही है एक डिजिट में, 18 18 मतलब 36 और 3 × 8 मतलब 24, तो टोटल में 60 LED लग रही है। और यहाँ पर जो डिफ्यूज़र है इसको हम लोग इस तरह से खोल सकते हैं, इसके अंदर LED को चिपका के इसको हम लोग बंद कर सकते हैं और इनको हम लोग स्क्रू से किसी बेस के ऊपर चिपका सकते हैं। जैसे मैंने एक लकड़ी के ऊपर मेरा घड़ी बनाया स्क्रू से चिपका के, और यहाँ पर LEDs के अंदर पीछे में ग्लू रहता है, तो इस तरह की ये पॉलीथीन को खोल के इस तरह से आप लोग इसको चिपका सकते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर। इन सब LEDs को बोलते हैं पिक्सेल LED। ये कोई नॉर्मल LED नहीं है, आम LED वोल्टेज देने से जलता है, लेकिन ये पिक्सेल LED वोल्टेज के साथ डाटा भी लेता है उसके बाद जलता है। डाटा के थ्रू इनको बताया जाता है कौन सी LED को ऑन रखना है, कौन सी LED को ऑफ, कौन सी LED किस कलर में जलेगी, किस ब्राइटनेस में जलेगी, सब डाटा से जाती है। और इस तरह से एक डिजिट बनाने के बाद यहाँ पर कनेक्शन करना पड़ेगा डाटा और पावर की। जो पावर होती है 5 वोल्ट और ग्राउंड, वो लाल और काला तार में मैंने कर दिया, ये सारे में जाएगा सेम तरह से। और जो डाटा है D in D out जो लिखा हुआ है उससे आउट से इन में जाके एक लूप फिलअप करेगी, वो कैसे मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। जो डाटा का तार है वो भी आपको देना पड़ेगा पावर के साथ। और यहाँ पर डिफ्यूजर लगा देने से देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अब चलिए यहाँ पर डाटा फ्लो के डायरेक्शन के बारे में बात कर लिया जाए। जो डाटा है मेरा कंट्रोलर से आएगा, वो कंट्रोल से डाटा यहाँ पर घुसेगी, उसके बाद वो डाटा यहाँ तक आएगी, उसके बाद डाटा यहाँ पर डी आउट से निकल के दूसरा LED पत्ता का डी इन में जाएगा, उसके बाद ये इस तरह से जाएगा, यहाँ पर भी डी आउट में निकल के इसमें डी इन में घुसेगा और इस तरह से ये एक डिजिट को कंप्लीट करेगा। और ये जो वायर है इससे डाटा इस हिस्सा को फिलअप करेगा, उसके बाद ये जो डाटा आउटपुट हुआ वो दूसरा पार्ट में जाएगा, यहाँ पर घुसेगा, उसके बाद यहाँ से निकाल के ये इस डिजिट में घुसेगा और सेम तरीके से जो डाटा का डायरेक्शन है वो इस तरह से घूमता रहेगा। उसके बाद डाटा फ्लो यहाँ तक आएगी, उसके बाद सेम तरीके से लास्ट वाले डिजिट को भी ऐसे कवर करेगा, इस तरीके से जाएगा और ऐसे यहाँ पर एक तार से जाके यहाँ पर एंड होगा। उसके बाद जो ये पॉइंट है ये जाके नीचे की बार में घुसेगी, उसके बाद ये यहाँ तक आएगी और यहीं पे ख़त्म हो जाएगी डाटा, मतलब ये डाटा का एंड पॉइंट है। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है एंड पॉइंट। और भैया यहाँ पर टोटल कितना LED लग रहा है वो भी कैलकुलेट कर लिया जाए। ये जो पहला वाला 1 है इसमें 18 LED लगता है, सो 18 लिख दिया। उसके बाद एक एक डिजिट में मेरा 60 पीस LED लग रहा है, दोनों साइड में 18 18 36 और 8 8 करके 3 गुना मतलब 24, तो टोटल 60 हो गया। और ऐसा 3 पीस डिजिट है, सो 3 × 60 यानी 180 हो गया। इसको हम लोग प्लस कर देंगे, 198 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 4 4 करके 8 पीस है बीच की जो बिंदी बनाने के लिए, तो यहाँ पर 8 पीस प्लस कर देंगे। और नीचे में जो ये बार है इसमें 30 पीस LED है, तो यहाँ पर 30 प्लस कर देंगे, सो 236 पीस LED यहाँ पर लग रही है। और इस तरह की जो LED का चेन होता है इसमें 300 LED होते हैं, ये मेरे पास मिल जाएगा WhatsApp स्टोर में। और भैया मेरा ये एक डिजिट कंप्लीट हो गया है, इसके ऊपर मैंने एक काउंटर चला दिया जो कि 0 से 9 तक काउंट कर रही है, तो ये मेरा इसी कंट्रोलर से चल रही है। और यहाँ पर खास बात यह है कि इसमें वाईफाई से कंट्रोल कर सकते हैं इस घड़ी को, तो वाईफाई से कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर वाईफाई में जाना होता है, उसके बाद वाईफाई सर्च करेंगे तो इस घड़ी का WLED AP नाम का कुछ आ जाएगा और इसको कनेक्ट कर लेंगे। अगर पासवर्ड मांगे तो स्मॉल लेटर में WLED 1234 ये देना होता है। उसके बाद कनेक्ट हो जाने से ये कंट्रोल का स्क्रीन आ जाता है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग कलर और
ब्राइटनेस और बाकी सारी चीज़ें इसका कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल वगैरह भी दिया हुआ है भैया। इसी प्रोग्राम के साथ मैंने छोटा छोटा घड़ी काफ़ी सारे बेचा है, लगभग 100 पीस बेच दिया, जो कि इंडिया का अलग अलग जगह पर डिलीवर किया और सबको ये पसंद आया। और मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मैंने ये बड़ा घड़ी लेके आया, देखते हैं इसका सेल कैसा रहता है। तो ये आप देख ही सकते हैं, इतना स्टाइल इसके अंदर है कि आप सोच नहीं सकते। आप लोग अपना क्रिएटिविटी लगा के इसके ऊपर हज़ारों स्टाइल्स, हज़ारों कलर्स जनरेट कर सकते हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा आपने कैसे बनाया इसको। और इस तरह की जो 3 पीस डिजिट और 1 पीस 1 मैंने बना लिया, इस तरह का बना के भी मैं भेज सकता हूँ आपको। आपको जस्ट मेरे ये व्हाट्सएप नंबर पर बात करना होगा। अगर आपको बनाना नहीं आता, पिक्सेल LED वगैरह का कनेक्शन करना नहीं आता, और अगर आता है तो आप लोग मेरा ओनली कंट्रोलर लेके बाकी जो प्रोफाइल स्ट्रिप ऑर्डर करके ऑनलाइन से ला के बना सकते हैं। इस तरह की एक लकड़ी ले लिया, लकड़ी को वाटर प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ पर पेंटिंग कर दिया। तो मैं ये जो लकड़ी है पूरा बना के तो नहीं भेज सकता हूँ, क्योंकि कुरियर में इतना बड़ा आइटम नहीं जाएगा। ओनली डिजिट्स बना के भेज सकता हूँ, जिसको आप लोग इस तरह की एक प्लाई फ्रेम के ऊपर स्क्रू से चिपका सकते हैं। यहाँ पर आपको माप कर लेना ज़रूरी है कि सब साइड से सेम स्पेसिंग रहे, ताकि घड़ी का जो अरेंजमेंट है वो अच्छा दिखे। ये आपका प्लाई वुड का साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, कौन सी साइड में कितना आपको छोड़ के रखना होगा। और यहाँ पर LEDs को खोल के मुझे ड्रिलिंग करना पड़ा, क्योंकि मैंने LEDs को पहले चिपका दिया था। आप लोग पहले ड्रिलिंग करके इसमें जो फ्रेम्स चिपका दीजिए, उसके बाद LEDs चिपकाए, यानी प्रोफाइल पहले बाद में LED, तो अच्छा होगा। और यहाँ पर ड्रिलिंग करके देखा कि यहाँ पर स्क्रू बहुत टाइट नहीं हो रहा है, क्योंकि ड्रिल में बहुत ज़्यादा बड़ा होल हो जा रहा है। तो इसमें मुझे अच्छा लगा कि एक कील से एक बार ठोक देंगे तो थोड़ा सा पतला एक होल बन जाएगा, उसके ऊपर स्क्रू को ऐसे टाइट करके चला सकते हैं, तो यहाँ पर टाइट कॉन्टैक्ट बन जाएगी। ड्रिलिंग करना उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है यहाँ पर दोस्तों। इस तरीके से काफ़ी मेहनत करने के बाद ये घड़ी मेरा पूरा रेडी हो चुका है, जो कि 5 वोल्ट एक चार्जर से भी चलाया जा सकता है। मैं चलाऊँगा मेरा 12 वोल्ट बैटरी से बक कन्वर्टर लगा के। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप अपना अकॉर्डिंग दूसरा टाइप का घड़ी भी बनवा सकते हैं मेरे से, क्या चाहिए वो जस्ट व्हाट्सएप पर बोलना। और नेम प्लेट भी ये सब बना सकता हूँ इस तरह की सेम चीज़ें देके। और दोस्तों ये रिमोट से भी कंट्रोल होता है, अगर आपको जल्दी कंट्रोल करना है, वाईफाई वगैरह कनेक्ट नहीं करना है, उसमें टाइम लगता है, जल्दी कोई ब्राइटनेस या कलर वगैरह चेंज करना है, तो इस तरह की टाटा स्काई रिमोट या फिर एक म्यूजिक प्लेयर का रिमोट से हो जाएगा। अब भैया इसका जो ये वाला कंट्रोलर है ये मेरे व्हाट्सएप स्टोर पर मिल जाएगा, आप जस्ट फर्स्ट कमेंट से मेरा व्हाट्सएप में आ सकते हैं। और दोस्तों ये घड़ी कैसा लगा कमेंट्स में बताएं, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नया इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।